साथियों, महिला सशक्तिकरण में भी मणिपुर आगे रहा है। मणिपुर की बहनों के आर्थिक सामर्थ्य को और मजबूत करने के लिए जल्द ही हमारी सरकार 3 नए एमा मार्केट का भी कार्य शुरू करेगी। इसके अलावा सरकार द्वारा करीब 5 लाख बहनों के जनधन खाते बैंकों में खुलवाए गए हैं। मुद्रा योजना के तहत जो 1.25 लाख लोन यहाँ के युवाओं को मिले हैं, उनमें से आधी संख्या महिला उद्यमियों की है। वहीं यहाँ के करीब 1 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन भी दिया गया है। साथियों, यूथ आइकन और देश में महिला शक्ति की एक बड़ी मिसाल मैरी कॉम की जन्मभूमि और कर्मभूमि स्पोर्ट्स की संभावनाओं से भरी हुई है। नॉर्थ ईस्ट का भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने में बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। बीते 3-4 वर्षों में जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुए हैं, उसमें देश ने नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ियों के दम पर उत्साहजनक प्रदर्शन किया है। हम नॉर्थ ईस्ट के सामर्थ्य को मणिपुर का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विस्तार दे रहा है। आज भी जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उनमें हॉकी स्टेडियम में फ्लड लाइट और फुटबॉल स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ लगाने की योजना है। हमारा प्रयास है कि देश के छोटे से छोटे इलाके में स्पोर्ट्स की बेहतरीन सुविधाएं दी जाएं। इसके साथ ही हम ट्रेनिंग और चयन में पारदर्शी व्यवस्था का भी निर्माण कर रहे हैं। इसी का परिणाम कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियाई खेलों में, पैरा एशियाई खेलों में, यूथ ओलंपिक में और दूसरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम देख रहे हैं, देश गौरव कर रहा है।